और जब स्टूडेंट के लिए कोई आंदोलन करता है, स्टूडेंट के लिए कोई आगे आता है, तो उसे सरकार के खिलाफ भी जाना पड़ता है। राजस्थान में जब भी बेरोजगारों के हक की आवाज दबी है, तब तब राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने आवाज उठाई है और अब उन्हें रिहा करने के लिए बेरोजगार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जिस प्रकार से उपेन यादव जी को गिरफ्तार किया गया वो सरासर गलत है। उपेन यादव जी शुरू से ही बेरोजगारों के लिए अपनी आवाज उठाते रहे हैं। हमारी कई सारी मांगे भी बेरोजगारों की उन्होंने मनवाई हैं और निश्चित तौर पे उन्होंने कई सारी आंदोलन भी हमारे लिए किए हैं। और जब स्टूडेंट के लिए कोई आंदोलन करता है, स्टूडेंट के लिए कोई आगे आता है, तो उसे सरकार के खिलाफ भी जाना पड़ता है। हाल ही में उपेन यादव को पुलिस ने जमीन कब्जा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामले में उपेन और उसके भाई मुकेश के साथियों की तलाश जारी है। इस मामले में 5 सालों में जांच जारी है। गिरफ्तार करने की जानकारी उपेन ने खुद ट्वीट के जरिए दी थी। आगामी कुछ समय में सरदार शहर में उपचुनाव होने हैं, इसके लिए वहां बेरोजगार आक्रोश महारैली निकालने का ऐलान किया गया था, लेकिन उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने साल 2016 में मामला दर्ज किया था, जिसमें अब कार्रवाई हुई। वहीं दूसरी तरफ उपेन यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ बेरोजगारों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं बेरोजगारों का कहना है कि वार्ता पिछले सप्ताह हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। चुरू के सरदार शहर में बेरोजगारों की आक्रोश रैली पहले से प्रस्तावित थी और उपेन यादव को पुलिस ने जबरन हिरासत में लिया है। अगर उपेन को नहीं छोड़ा गया तो आंदोलन जारी रहने की बात कही गई है। गिरफ्तारी के बाद उपेन यादव को रिहा करो ट्रेंड करने लगा। क्या यह गिरफ्तारी वाकई तर्कसंगत है या फिर हर जगह मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ विरोध करने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया? उपेन यादव की गिरफ्तारी को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।